अली मियां, पढ़ने नहीं जाना क्या? अरे सूरज सारे नेजे पे आया हुआ है। ये साड़ी नेजे क्या होता है राजू चाचा? मैं जब सवा नेजे का वक्त गुजर जाए ना तो फिर आता है साड़े नेजे। तुम्हें पढ़ने नहीं जाना क्या? क्या राजू चाचा, अरे भाई मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, स्कूल में थोड़ी ना। जो ठीक 7:30 बजे है मुझे स्कूल के असेंबली में पहुँचना। मैं हम तो 20 साल से बल्कि बचपन से रोजाना अली सुबह उठते और 8 बजे से पहले घर से बाहर। जी भाई जानता हूँ मैं आपको, आपकी तो कोई चीज़ नहीं बदली भाई, वैसे के वैसे ही हैं आप, स्टैंड बाय और साकिन। ना तो आपने शादी की और ना आपकी बीवी आई। अरे अपनी कदर की है इसलिए तो आज तक शादी नहीं की, वरना अगर ले आए होते कोई माँ बाप की दुलारी बहू तो उसके वजन तले दबे होते सारे एहसास जज्बात और ये वजाहत, और हम फकत उसके बच्चे पाल रहे होते। तो बकौल आपके ये जो शादी ब्याह की चीज़ें होती हैं ये सब बेकार होती है ना? अरे हमने ये कब कहा कि शादी बेकार है, हमने कहा कि शादी उस वक्त करनी चाहिए जब मोहब्बत हो, जहाँ मन लगे इंसान, वरना शादी वक्त का ज़िया है। और ये तुम सुबह सुबह किसके दर्शन कर रहे हो? वो यार ये नज़ारे हमने भी किए हैं अली भाई सब मालूम है तुम्हें, वो मीठे चावलों वाली पसंद है ना? अच्छी लड़की है, लगे रहो अली भाई। वैसे उसकी अम्मी भी कुछ ज़्यादा बुरी नहीं है, बस बेचारी भरी जवानी में बेवा हो गई थी। वो डबल डेकर बस। अरे भाई हमारे ख्वाबों में तो हमारी बांसुरी की धुन पे नाचती हुई कोई हीर है पायल चनकाती हुई, ये एक्सपायर्ड मॉडल नहीं। सलाम राजू चाचा। वालेकुम सलाम हिना, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, हम अभी तुम ही को याद कर रहे थे। अच्छा ये मैं आपके लिए मीठे चावल। आपको कैसे पता चला? अगर हमारा भतीजा कुछ और मांग लेता तो वो भी मिल जाता हमें। अली भाई आपके मीठे चावल आ गए। आप अपने भतीजे को भाई क्यों बुलाते हैं? इसलिए कि हम शक्ल से उसके चाचा नहीं लगते, तो थोड़ा इससे तो फर्क है हम दोनों में। बेटा बेटा कहने की आदत नहीं है हमें। अली भाई आपके मीठे चावल। हमारी बस का टाइम हो गया है इसलिए मिस ना हो जाए। हम चलते हैं। अली भाई बर्तन जरा जल्दी फारिग कर दीजिएगा। जी राजू चाचा। रहने दीजिए, मैं अगली दफा आऊंगी तो ले जाऊंगी। अब आप कब आएंगी? पता नहीं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
राजू चाचा। अली भाई आइए इस वक्त। वो चाचू अंदर नींद नहीं आ रही, मच्छर भी है ना अंदर, अगर आप कहें तो मैं आज आपके पास सो जाऊं। हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं, यहीं सो जाओ। लेकिन सच सच बताओ कि तुम्हारी नींद इन मच्छरों ने उड़ा रखी है या इश्क ने? मत पूछें चाचू, क्या है ना, आज सोने दीजिए, वैसे भी कल से वहाँ पर कर्फ्यू लग जाएगा। कर्फ्यू? कैसा कर्फ्यू? वो उनके कोई मेहमान आ रहे हैं, शायद दूर पार की कोई खाला वाला है उनकी, और पता नहीं कब जाएंगी, और ऊपर से सोने पे सुहागा रहेंगे भी वो सामने वाले कमरे में। और ये खबर तुम्हें किसने दी, वो मीठे चावल की प्लेट ने? नहीं नहीं, वो उसका छोटा भाई है ना बबलू, उसने बताया। अच्छा, तो अब बबलू मियाँ मोहब्बत के पैगंबर बन चुके हैं। चाचू प्लीज आज सोने दीजिए। अगर उसकी डबल डेकर माँ को पता चल गया ना तो तुम्हारे पीछे कुत्ते छोड़ देगी, शक्ल से इतनी खौफनाक लगती है। नहीं, उसको अरे ये क्या है, देखे तो सही। अरे वाह। भतीजे इसको अपने गुल्लक में डाल लो और जमा करते रहो, 2 साल तक तुम्हारे हनीमून के पैसे तो निकल आएंगे। अरे चाचू ये नहीं वो देखें यार। अच्छा ये भी है साहब, इसमें क्या है देखें। लिखा है आज तुम बहुत अच्छे लग रहे थे, लगता है ये मेरे लिए है। अरे नहीं चाचू ये मेरे लिए लाए आप। ये मेरे लिए है। आगे पढ़े पढ़े। आगे लिखा है कि आज तुम बहुत अच्छे लग रहे थे, मैंने तुम्हारे लिए मीठे चावल बनाए हैं, तुम्हें जो खाना हो लिखकर बता देना, मैं वो बना दूंगी। तुम्हारी है ना। फौरन लिखो लिखो के तुम्हें बिरयानी, कोरमा, आलू गोश्त और भुनी हुई सब्जी बहुत पसंद है, कम से कम इसी बहाने इस घर में ढंग का खाना तो आएगा। चाचू वो मुझे इस खत का जवाब देना है, आप थोड़ी सी प्राइवेसी देंगे मुझे? प्राइवेसी? यार तुम आजकल इस इंटरनेट के ज़माने में क्या अनारकली को खत लिखोगे? मोबाइल फ़ोन किस मर्ज़ की दवा है? अरे मेरे प्यारे चाचू, उस अनारकली के पास मोबाइल नहीं है। अच्छा चाचू प्लीज़। ये रो मियाँ तुम अपना खत लिखो, करते रहो मनमानियाँ, हमारा भी वक्त आएगा। लेकिन अनारकली को कहो कि मोबाइल फोन ले ले वरना दीवार में चुनवा दी जाएगी। हमसे मुखाते में तो और किससे, इस गली में आपके सिवा और है कौन? इधर आइए, मुझे इस पते पे जाना है। उफ़ल्ला, पहली बार ऐसे भूल रही हूँ जैसे शहर में आई हूँ। यहाँ की हर गली, हर मोहल्ला, हर सड़क बिल्कुल एक जैसा है। ये कमबख्त रिक्शा वाला घुमा घुमा कर मुझे थका दिया। उफ़ल्ला, वैसे मुझे ज्यादा बोलने की आदत नहीं है और ना ही ज्यादा सफर करने की आदत है, मगर क्या करूं, जिंदगी क्या क्या रंग दिखाती है। आप मुझे इस तरह देखते रहेंगे या पता भी बताएंगे? फला मैं पहले यहाँ की उरंगी चुरंगी कुरंगी में खो चुकी हूँ। ये घर तो बिल्कुल हमारे घर के बराबर में है, आप गालिबन मेहमान हैं वहाँ पर, आइए हम वहीं ले चलते हैं। अरे किस तरह के आदमी हैं आप, एक औरत इतना वजनी सामान खुद उठाएगी? अदब तमीज नहीं है आप में? अब सुलेखा को ये भी दिन देखना था कि वो अपना सामान खुद उठाए। उठा लेते हैं चलिए।
आप कितने अरसे के लिए आई हैं? अरे आपसे मतलब, टिकट कराया है, इतना लंबा सफर किया है, क्वेश्चन तो ठहरूंगी ना मैं। वैसे ना मुझे ज्यादा बोलने की और ना ज्यादा सफर करने की आदत है, मगर क्या करूं, जिंदगी क्या क्या रंग दिखाती है। बड़े सियाने हैं आप। ऐसे जुलेखा को सियाने आदमी बड़े पसंद है, मगर अपनी जुबान बंद रखे तो। ये आ गया आपका मतलूबा घर। आपने मुझे अपना नाम नहीं बताया। आपने नाम बताने का मौका ही कहाँ दिया है। रजीउद्दीन नाम है हमारा, रजीउद्दीन फारूकी। आए हाय, इतना मुश्किल नाम, मैं तो सांस फूल जाएगा ये नाम लेते हुए। वैसे हमें राजू भी कहते हैं। शक्ल से भी बिल्कुल राजू लगते हो। आपने मेरा नाम नहीं पूछा। मेरा नाम जुलेखा। अरे वाह, आपको कैसे पता चला? अंदाजा कर लिया था। आपका घर कहाँ है? अच्छा ये बताए, यहाँ के मोहल्ले वाले अच्छे तो है ना? यहाँ की औरतें झगड़ालू तो नहीं है? और आपकी बीवी कैसी है? बीवी नाम की चीज हमारे पास तो नहीं है, और वैसे मोहल्ले की खवातीन के बारे में हम कुछ ज्यादा जानते नहीं है, लेकिन आप क्यों पूछ रहे? वो इधर रहने आई हूँ, मिलना जुलना तो होगा ना, कैद थोड़ी काटने आई हूँ। वैसे मुझे ना ज्यादा बोलने की और ना मिलने जुलने की आदत है, मगर क्या करें, मिलना तो पड़ेगा ना। जी जी बिल्कुल। अब हम जा सकते हैं? कहाँ? घर। अरे हाँ एक बात बताए, अगर मुझे कोई काम वाम हो तो आप कर देंगे ना? जी जी, अगर आपको कोई काम हो तो आप हमें बिला झिझक आवाज दे सकते हैं। थैंक्स। जिंदगी भी क्या क्या रंग दिखलाती है। नसीम बानो, ओ नसीम बानो, जुलेखा आइए।